नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश के स्पेशल सेगमेंट न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। पांच बड़ी खबरों में आज की पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो पहली खबर महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, जहां पर अब लाउड स्पीकर पर काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। और आज की जो पहली खबर है वो भी वहीं से है, राज्य का लाउड रुख जारी। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि मन से आज अजान के दौरान दुगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़िग है। मन से प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण का केस भी दर्ज किया गया है, तो अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। इसके बावजूद उन्होंने मन से कार्यकर्ताओं से अपनी ताकत दिखाने को कहा और इसके आह्वान के बाद राज ठाकरे के आह्वान के बाद थाने के चारकोप इलाके में सुबह 5 बजे नमाज के दौरान मन से कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। तो वहीं नासिक में भी नमाज के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर 7 महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बांद्रा, भिवंडी, नागपुर में भी अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर के संवेदनशील इलाकों में 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। रुक करते हैं अगली खबर पर, जहां देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,239 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 54 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कल कोरोना मामलों में कुछ कमी देखने को मिली थी, तो फिर सोमवार को देश में 2,568 नए केस मिले थे, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर कोरोना केस 3,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं, तो फिलहाल देश में 18,317 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और सोमवार को देश में कोरोना के एक्टिव केस 13,137 हो गए हैं। तो वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट भी 1.22% हो गया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की, देश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हो गया है, जो कि मार्च में सिर्फ 7.60% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी का दर 9.22% तक हो गया है। यह आंकड़ा मार्च में 8.28% था। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह घटी है और इस महीने गांव में बेरोजगारी दर 7.18% रही, जबकि मार्च की बात करें तो यह 7.29% थी। राज्यों के हिसाब से देखें तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, तो वहीं राजस्थानी में बेरोजगारी दर अब 28.8% दर्ज की गई है। बात करते मध्य प्रदेश की तो यह सिर्फ 1.6% रही। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो 3 दिनों की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से मुलाकात की और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने बेल्ला सेंटर पहुंचे और यहां पर भारतीयों का आभार व्यक्त किया, लोगों को चलो भारत का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अगर आप मनाने वाले हैं तो मैं बता दूं कि पीएम मोदी इनकी लोगों पर खामोशी की चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई मुसीबत आ रहा है। बात करते हैं अगली यानी आखिरी खबर की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट भी लीक हुआ है और मीडिया में लीक ड्राफ्ट के मुताबिक गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ड्राफ्ट में सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट 1973 के रो बनाम वेट के फैसले को पलटने के लिए मतदान किया गया और उसके खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मिडटर्म इलेक्शन के पहले ड्राफ्ट लीक होना राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है और पर्दे के पीछे कुछ रिपब्लिकन पार्टी भी इसको कहीं ना कहीं लीड जरूर कर रही है। न्यूज अपडेट में आज के इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।